Hello, dear students. Today we are going to do exercise of uh, mineral and power. As uh, this is the chapter of your SST subject, uh, the reading we have already covered. Today is the time to do exercise. So I would I, I would suggest you to open your page. Uh, that is the page number one five nine, in which the first exercise, which is related to the fill in the blanks, as it is written here. I have just uh, written the. Uh, दर्ल्ड सुच नीड टू बी फिल्ड और आप देख सकते हैं पहला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें आप एक पेंसिल ले लें आप आ, फिल करते रहेंगे पहला क्वेश्चन है ऑस्ट ऑस्ट्रेलिया लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ डेज डैस इन दर्ल्ड किस चीज़ में ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है सो द आंसर विल बी दॉसाइट ऑस्ट्रेलिया को बागसाइट के प्रोडक्शन में ज़्यादा माना जाता है बाकसाइट जो है Uh, और हम जानते हैं कि uh, बॉक्साइड बेसिकली <coughs> ये ऑक्स uh, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये बाइट के प्रोडक्शन में नंबर एक माना जाता है तो ये एल्यूमिनियम ओर होता है एल्यूमिनियम मेटल के लिए इट इज़ एन ओर और ऑस्ट्रेलिया इसका मेजर uh, कंट्री uh, है नो no, जो जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स क्या है तो टिन एशिया जो है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का टिन प्रोड्यूस करता है एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन ठीक है मतलब पूरे विश्व का आधे से ज़्यादा जो आ, एशिया में एशिया के सभी देशों को देखा जाए तो पूरे विश्व का आधे से ज़्यादा टिन जो है वो एशिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है ठीक है सो दैट इज़ अनदर इन्फॉर्मेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एशिया के द्वारा आ, मतलब टिन का जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन है वो टिन का प्रोडक्शन एशिया के थ्रू होता है हाफ ऑफ वो द वर्ल्ड्स टिन जिसमें चाइना मलेशिया इंडोनेशिया मेजर कंट्रीज हुआ करते थे हमने पढ़ाई की थी फिर बात आती है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम डायमंड प्लेटिनम और गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है तो हम देखते हैं डायमंड प्लेटिनम और गोल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है अफ्रीका तो कौन है अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम फिर फोर्थ है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आफ्टीन फ्रॉम सीज लेक्स एंड रॉक्स इन तीनों से क्या मिलता है तो साल्ट हमें क्या मिलता है सी से भी झीलों से भी और रॉक्स चट्टानों से भी हमें साल्ट मिलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को हम किन गैसियस फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं बायोफ्यूल बायो फ्यूल तो पहला ऑप्शन है बाक्साइड दूसरा है टिन थर्ड है फ्रीका फोर्थ है सॉल्ट फिफ्थ है बायो फ्यूल अब बात करते हैं करेक्ट करने की सेंटेंसेस को करेक्ट करने की तो पहला क्या कहता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स गलत कह रहा है ये मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन गैस इग्नस एंड मेटामार्फिक रॉक मेटामार्फिक और इग्नस जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे हमको जो मिनरल मिलते हैं वो मेटलिक मिनरल मिलते हैं ना कि नॉन मेटलिक तो ये नॉन मेटलिक मिनरल हटा करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मेटेलिक मिनरल फिर सेकेंड कह रहा है आयरन ओर इज फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आयरन ओर हमको मिलता है लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स तो ऐसा नहीं है आयरन ओर जो हमको मिलता है वो मिलता है इग्नस रॉक्स के लेयर्स के बीच में ठीक है ये जो है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में हमको आयरन और मिलता है है ना अगर आपको इसको देखना भी होगा तो आप <coughs> जब आयरन और को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आयरन और ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं तो ये मिलते हैं आयरन और जो होता है दैट इज़ फाउंड इन द इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द लेयर ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ठीक है तो जानने के लिए आपको चीज़ों को पीछे पढ़ना पड़ेगा तो उससे आपको ये चीज़ें पता चलेंगी फिर कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हम जानते हैं हमने पढ़ाई की थी कि मिनरल्स क्या हैं मिनरल्स बेसिकली जो पत्थरों के नीचे पहाड़ों के नीचे जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड एनिमल एंड प्लांट के जो बचे हुए जीवाश्म हैं वही मिनरल्स बने हैं तो क्या ये रिन्यूएबल हैं क्या ये हमेशा कभी ख़त्म नहीं होंगे नो दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल ठीक है ये रिन्यूएबल नहीं है रिन्यूएबल तब होते जैसे कि हवा पानी सूरज का रोशनी सोलर ये सब नॉन रिन्यूएबल है ये सब रिन्यूएबल है बट दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल्स हुए हैं एक बार ख़त्म होंगे फिर मिलेंगे नहीं न्यूजीलैंड हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ जियो थर्मल पावर प्लांट्स तो क्या न्यूजीलैंड में है जियो थर्मल पावर प्लांट्स नो यूनाइटेड स्टेट हैव द लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा जो जियो थर्मल पावर प्लांट है वो किसके पास है यूनाइटेड स्टेट के पास यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जियो थर्मल पावर प्लांट पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन पर आप देख लेंगे सो यूनाइटेड स्टेट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ न्यूजीलैंड लिखा हुआ है यहाँ आप यूनाइटेड स्टेट कर लीजिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है एल्यूमिनियम इज़ यूज एज एन इन्ग्रीडियंट टू मेक द ब्रास इंटू गैलवेनाइज आयरन इम्प्लीमेंट तो ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम Uh, को यूज़ किया जाता है एज एन इन्ग्रीडियंट जिससे कि हम गैल्वेनाइज गयल, आयरन इम्प्लीमेंट्स बना सकें तो एल्यूमिनियम नहीं यूज़ होता है वहाँ पे जिंक यूज़ होता है इसको ध्यान में रखेंगे तो हम देख सकते हैं दैट विल बी दैट जिंक इज़ यूज इन द टू मेक द ब्रास एंड टू गैल्वेनाइज आयरन इम्प्लीमेंट्स ठीक है नाउ <coughs> हम हम आते हैं वेरी ब्रीफली वाले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है गिव टू ब्रॉड क्लासीफिकेशन ऑफ मिनरल्स आप नोट्स लेके बैठे ही होंगे आप इसमें आंसर लिख सकते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे दैट मिनरल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल में लिख लीजिए कि मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स सो टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन में ऊपर में आप लिखिएगा टाइप ऑफ मिनरल जैसा कि आपके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ देखिए लिखा हो टाइप ऑफ मिनरल एक एक एरो से दिखाएगा मेटेलिक मिनरल और एक एरो से दिखाएगा नॉन मेटेलिक मिनरल दैट इज़ इनफ फॉर दिस इस क्वेश्चन के लिए उसके अंदर ब्रीफ में नहीं लिखना है ठीक है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दैट इज़ इनफ जो कि यहाँ लिखा होता है एक्सप्लेन इट तब हम लिखते हैं मेटेलिक क्या है नॉन मेटेलिक अभी सिर्फ आपको दोनों नाम लिख देने हैं कि टाइप ऑफ मिनरल टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ़ मिनरल या आप मिनरल ऊपर लिख के नीचे दो बना दो दो एक तरफ लिख दो मेटेलिक और एक तरफ लिख दो नॉन मेटेलिक फिर कह रहे हैं नेम थ्री डिफरेंट प्रोसेसेज बाई विच मिनरल कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द अर्थ तीन डिफरेंट प्रोसेस वो बोल रहा है कि जिससे आप विच मिनरल्स कैन बी ऑप्टेंड फ्राम द अर्थ क्रस्ट तो आपको अगर अर्थ क्रस्ट से uh, किन किन तरीके से आप मिनरल्स को निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं आपको याद होगा यहाँ पे इसका आंसर है देर आर देर आर डिफरेंट प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट दिनरल्स लाइक ओपन कास्ट माइनिंग ड्रिलिंग क्वेरिंग कोई भी आप लिख दो आप यहाँ पे ड्रिलिंग क्वेरिंग माइनिंग कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन ऑप्ट द मिनरल फिर कह रहे हैं हाउ कैन मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड मिनरल्स को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर समझ गया ना थ्री डिफरेंट प्रोसेस बाई विच मिनरल्स कैन बी की इज ड्रिलिंग माइनिंग है ना क्वेरिंग बहुत सारे तरीके होते हैं नाउ कह रहा है कि हाउ कैन मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड मिनरल्स को हम आइडेंटिफाइड कैसे कर सकते हैं तो वहाँ पे आंसर लिखेंगे तो मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट वेज लिख लीजिए नोट्स में मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट वेज थर्ड का आंसर बता रहा हूँ मिनरल्स कैन बी आईडेंटिफाइड बाई डिफरेंट वेजरल्स मिनरल्स आर फाउंड बिलो द अर्थ हाँ आर फाउंड बिलो द अर्थ सम हैव सम हैव मेटलिक करेक्टर सम हैव नॉन मेटलिक कैरेक्टर सम हैव मेटलिक कैरेक्टर सम हैव नॉन मेटेलिक करेक्टर सम हैव मेटेलिक करेक्टर सम हैव नॉन मेटेलिक करेक्टर सम है ध्यान से लिखिएगा सब लोग सम हैव मेटेलिक करेक्टर सम हैव नॉन मेटेलिक करेक्टर फिर क्या कह रहा है हाउ इज फायर यूड यूजफुल टू रूरल पीपुल लिख लीजिए फायरवूड इज यूजफुल फॉर द रूरल पीपुल लिखिए आंसर लिखिए द फायर यूड इज यूजफुल फॉर द रूरल पीपुल बिकॉज इट हेल्प्स देम

चार कंट्रीज का नाम बताना है दैट लीड द वर्ल्ड इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन तो लिखिए द फोर कंट्रीज आर द फोर कंट्रीज आर विच लीड द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड विच लीड द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड मेजरली मेजरली ईरान इराक ईरान इराक सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया एंड कतर क्यू ए टी ए आर एंड कतर ईरान इराक सऊदी अरबिया एंड कतर आप इसे पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स पे पहला पैरा है आप देख भी सकते हैं एंड कतर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड कतर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम आएंगे ब्रीफली में व्हाट आर मिनरल्स फिर वही चीज़ ही पूछ रहा है कि मिनरल्स क्या हैं तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस आप चाहे तो पेज नंबर वन फिफ्टी टू पर जाएँ पेज नंबर वन फिफ्टी टू पर जाएँ जहाँ पर मिनरल्स हेडिंग लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे मिनरल्स तो मिनरल्स आर फ्रॉम थ्रू नेचुरल प्रोसेस द रॉक आर सॉइल इन विच मिनरल्स नेकर इज कॉल्ड द ओर द मिनरल रिसोर्स आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू प्रोसेस लाइक माइनिंग एंड ड्रिलिंग देयर फोर्ड और मिनरल डिपॉजिट देर आर टू टाइप ऑफ मिनरल नाम लिख दीजिएगा मेटलिक एंड नॉन मेटलिक बस ये इसका आंसर है मिनरल्स वाला पूरा हेडिंग और उसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक ये आपका पहला आंसर हो जाएगा दूसरा कह रहा है हाउ आर मिनरल एक्सट्रैक्टेड तो आप लिखेंगे इसमें आप लिखिएगा कि मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट वेज़ चूँकि ये भी क्या है ब्रीफली में ही है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है आप ये पूरा लिख सकते हैं माइनिंग प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड माइनिंग फिर आप लिखेंगे कि द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाई डिफरेंट वेज़ ओपन कास्टिंग माइनिंग डीप शैफ्टिंग माइनिंग इसी के थ्रू आप लिख सकते हैं कि मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके जो होते हैं वो आप लिखेंगे पेज नंबर वन फिफ्टी टू पर सेकेंड साइड में देखेंगे एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स लिखा हुआ है तो उसमें चार तरीके बताए गए हैं ड्रिलिंग क्वेरिंग डीप शैफ्ट एंड ओपन कास्टिंग बस ये चार तरीके आप लिख देंगे इसमें ये भी आपका इसका आंसर हो जाएगा फिर कह रहा है कि व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो आप जानते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ आपको नाम लिखना है तो आप लिखेंगे उसमें कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है और दुएज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम फॉर एग्जाम्पल फायर उड कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर पावर इसको आप लिखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो आंसर में लिखेंगे कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज फायरवुड कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर पावर फिर कह रहा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें आप लिखेंगे आपके पास हाइड्रोलैक्ट्रिक सोलर विंड एनर्जी जियोथर्मल टिडल एंड बायोफ्यूल तो आप सिर्फ इसका नाम लिख देंगे तो आप हेडिंग डालेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें नाम लिख देंगे फायर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस जैसे यहाँ लिखा हुआ है और फिर आपका कॉन्सेप्ट में बहुत सारे आंसर दे देगा नॉन कन्वेंशनल में हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर और बाकी चीज़ें फिर कहें विच रीजन आर द मोस्ट सुटेबल फॉर विंड फार्म्स है ना तो आप इसमें जब आता है कि विच रीजन आर मोस्ट सुटेबल फॉर द विंड फार्म तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा विंड पावर वहीं पे यूज़ होती हैं जहाँ पे क्या होता है जहाँ पे विंड जोन्स होते हैं ठीक है तो विंड जोन्स ही ज़्यादातर वहाँ पे ही विंड लाइक कोस्टल रीजन एंड माउंटेन पासिस द्रॉन्ग स्टडी विंड ब्लोस ठीक है तो विंड फार्म जो होते हैं ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासिस तो लिखेंगे आप इसका आंसर लिख लीजिए मैं बोल देता हूँ ये जो है विच रीजन्स फोर्थ क्वेश्चन ऑफ डी आर मोस्ट सुटेबल फॉर विंड फार्म्स तो लिखिए द कोस्टल रीजन्स एंड द कोस्टल रीजन्स एंड द कोस्टल रीजन एंड द mountain passes the coastal region and the mountain passes are most suitable for wind farms are most suitable for wind farms the coastal region and the mountain passes फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्सेज कह रहा है कि यूजेस क्या है एनर्जी सोर्सेज के तो बहुत सारे सोर्सेज का अलग अलग इस्तेमाल है ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि देर आर वेरी देर आर वेरियस यूजेस ऑफ़ एनर्जी सोर्सेज जैसे आप अलग अलग ये आपके दिमाग से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम वी यूज इन कुकिंग इन डेली लाइफ वी यूज द रनिंग द मोटर व्हीकल्स है ना फिर वी यूज़ द पावर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पेट्रोलियम इज़ यूज फॉर द रनिंग द जनरेटर्स मोटर कार्स तो ये आप लिख सकते हैं दिस इज बाय योर ओन थॉट ठीक है अब बात है डिटेल में द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल डिपेंड्स अपॉन हाउ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इसको डिस्कस करना है तो ये सही बात है कि डेवलपमेंट किसी कंट्री का इस पर डिपेंड करता है कि कैसे वहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इसको हमको डिस्कस करना है कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ओवर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी तो इसको आप अपने दिमाग में सोचिए नहीं होगा तो मैं इसका एक पी भेज दूंगा निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ मिनरल ऑन द इन्वायरमेंट कि जो एक्सट्रैक्शन किया जाना चाहिए वो वेल प्लान वे में करना चाहिए जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉस होता है वो ना होने पाए तो ये चीज़ें आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं वाई डू वी नीड द कंजर्व आवर एनर्जी रिसोर्सेज हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज़ ये पेज नंबर वन फोर्टी एट पर आप देख सकते हैं आपका पूरा ये टॉपिक ही लिखा हुआ है कि वाई वी नीड टू कंजर्व आवर एनर्जी ठीक है इसे कंजर्व करने के वजह से ही हम आगे चल के इसको ज़्यादा देर तक उपयोग में ले पाएंगे ठीक है तो पहला दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर वन फिफ्टी एट का इसी का आंसर है ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसके लिए नॉन कन्वेंशनल पेज नंबर फोर का जो आंसर है वो आप चाहें तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग दिए हुए हैं इसमें से जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं जिसमें कि आप हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर है सोलर है विंड है टुडल एनर्जी बायोफील जियोथर्मल इसके बारे में दो दो लाइन लिख दीजिएगा तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का भी वाट फार्म द एनर्जी वुड बी वुड बी यूज इफ ऑल द कोल ऑयल एंड गैस ऑफ अर्थ इज फिनिश्ड तब हम कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे जब ये सारी चीज़ें चली जाएंगी तो शायद हम कहीं ना कहीं हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमारे सामने होंगी जिसमें कि सोलर पावर टिडल एनर्जी और बाकी चीज़ें आती हैं तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी इससे निकल के आ जाता है अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं पुट कर सकते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन थैंक यू किसी को कोई भी डाउट हो कुछ पूछना होगा तो आप पर्सनली फ़ोन करके या ग्रुप पे या कमेंट में कहीं भी पूछ सकते हैं